शिवपुरी जिले के पोहरी अनुभाग में एक गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे से ड्राइवर के शव को निकाला। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चर्च थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कल्टीवेटर लेने जा रहा था मृतक के चाचा भूप सिंह पुत्र अमर सिंह यादव उम्र 45 साल निवासी कपेला थाना सेसईपुरा जिला शोपुर ने पुलिस को बताया कि उसका भतीजा रियोम पुत्र मर्दान सिंह यादव उम्र 35 साल सोमवार को ग्राम बघेड़ में कल्टीवेटर लेने अपने स्वराज ट्रैक्टर से आया था, तभी वह चर्च में किसी काम से चला गया। चर्च से वापस कपेला लौट रहा था, तभी समय करीब 11 बजे भोरे नदी से रपटा पर ट्रैक्टर के आगे अचानक गाय आने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और पुलिया के नीचे पानी में गिर गया। ट्रैक्टर के चारों पहिया ऊपर हो गए, जिससे हरिओम यादव ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उसको ट्रैक्टर से नीचे निकाला और प्राइवेट गाड़ी से पोहरी अस्पताल लाए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।